हम लोग कौन सी जगह है सर? इसका टाइगर रिजर्व। बीड़ी पीने आए हैं यहाँ पे भाई, यहाँ भी घूमते रहते हैं। तो तेरी तारे चमक कर चाबी अंदर ही रह गया। हाय, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी हम पहुंच गए हैं धौला कुआं में। आज अचानक में ऐसे प्लान बन गया अलवर जाने का, और अलवर हम अकेले नहीं जा रहे हैं, और भी सारे लोग साथ में जा रहे हैं, जिनको कुछ लोगों को आप जानते हो, कुछ को नहीं जानते हो। सबसे पहले तो ये इनको रहने दो, आज मत जानो। मेरे को ही मत जानो। ये आई संतोष भाई, क्या हाल है? बढ़िया। यो यो, ये हमारे साथ नए भाई है सुदीप भाई। ये इस रूम में पहली बार आए हैं और अभी आगे आते रहेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। और ये और मुझे तो आप जानते हो, शुरू से पुराने वाले पुराने पुराने वाले जयपुर। मैं आयुष, जैसा कि आप जानते हैं, पिछला अभी हम लोग यहाँ से अपना ट्रिप स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, अलवर जाने के लिए। एक दिन का ट्रिप होगा, उसमें आपको ऐसी ऐसी जगह दिखाएंगे आपने सोची भी नहीं होगी। भाई अभी अलवर के लिए निकल गए हैं। काफ़ी देर से खड़े थे बस स्टैंड पे, बस कोई मिली नहीं बस के लिए, और अभी एक घंटे रुकना पड़ता है, और हमें जल्दी पहुंचना है मॉर्निंग में, क्योंकि 6:30 बजे की हमारी सफारी है। रात में ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है, तो ज़्यादा अभी दिखा के फ़ायदा भी नहीं है, तो आपको पहले अलवर पहुँचते हैं फिर दिखाते हैं जो भी चीज़ें हैं। अभी बीच में एक होटल है, वहाँ पे रुके हुए हैं। गाड़ी यहाँ पे है, बहुत ज़्यादा उस हो गई है। हवा सेक रहे हैं, चाय वाय पी के फिर आगे बढ़ेंगे। सुबह के 6 बज रहे हैं अभी। हम हैं नैया स्वीट पे। हमारे जो ड्राइवर साहब थे, उन्होंने बोला था कि यहाँ की कचौड़ी बहुत फेमस है, कड़ी कचौड़ी, तो अभी वो खा रहे हैं, और सच में वो काफ़ी अच्छी है। एक बार यहाँ पर आ रहे हैं तो ज़रूर ट्राई करना। बहुत अच्छी कचौरी हमने भी खाई, बहुत टेस्टी। करी वाली जो कचौरी थी काफ़ी लाजवाब अच्छी थी। तो अब यहाँ से निकलते हैं, अब जा रहे हैं सर इसका सफारी के लिए। हाँ भाई, क्या हाल है? कहाँ पर है हम लोग, कौन सी जगह है? सर इसका टाइगर रिजर्व। सर इसका टाइगर रिजर्व, सर इसका कैफे। बीड़ी पीने आए हैं यहाँ पे। संतोष अंकल से मांग मांग के बीड़ी पी रहे। अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं। आप बोलो। हम लोग पहले जाने वाले थे होटल की, चले जाएंगे टाइम से, होटल पहुंच जाएंगे, लेकिन होटल जा नहीं पाए। अब आ गए हैं डायरेक्ट सरिस्का टाइगर रिजर्व के लिए, यहाँ पे सफारी के लिए। अभी ना फ्रेश हुआ है कोई, ना कपड़े चेंज किए हैं, तो सारा सामान लेके डायरेक्ट यहीं पे आए। पहले सफारी करेंगे, सफारी के बाद होटल जाएंगे। हम आगे जंगल में जो कुछ भी दिखता है सफारी में वो दिखाते हैं। ये खड़ी है हमारी गाड़ी यहाँ पे, और अभी जिप्सी में थोड़ा सा टाइम है, लोग बोल रहे हैं कि थोड़ी देर बाद जाएंगे, तो जब जाएंगे तब देख लेंगे। अभी ओस इतनी ज़्यादा है, सुबह के 7 बज रहे हैं, दिन हुआ नहीं है, अंधेरा ही लग रहा है। और समझ नहीं आ रहा है ऐसे में सफारी में कुछ दिखेगा या नहीं दिखेगा। अभी सरिस्का टाइगर रिजर्व पहुंच गए और यहाँ पे सफारी शुरू कर दी है। अभी सुबह का टाइम है, तो ठंड बहुत ज़्यादा है और ओस भी ज़्यादा है। भाई यहाँ भी घूमते रहते हैं क्या? भाई पंजे को निशान ढूंढो तो ना भाई, थोड़ा अच्छी सही फाउंडेशन। हंसी नहीं आ रही है, आत्मा रो रही है। एक बार हाँ जी, उसके नाम एक नीलकंठ मंदिर है। नीलकंठ मंदिर है? हाँ जी। तो पुराना बनता है, इसमें वो लगभग 9th century का बना हुआ है। हाँ, तो क्या वो उसके लिए खाना लेके आते हैं? अच्छा, वही खाना हम नहीं अब ये खाना लेके आए हैं। हाँ, तो हम चले जाएंगे फिर, कल फोन लाएगा। हाँ, फिर सुबह टेंट करने पड़ेगा, काफ़ी बिक्री होती है इसलिए।
पानी कम पड़ जाएगा, नहाएंगे खत्म हो जाएगा। गंगा जी मैं तो नाले में कूदा दीजिए आप भी। ये गजब का है एंगल, देख रहे हो नकली जानवर। नजरे तेज है तुम्हारे। टोटल यहाँ पर 25 टाइगर है। अच्छा, 25 टाइगर है। मतलब हर नहीं जाते, एक दो चार तो जाएंगे। अभी हम सर इसका सफारी में आए हैं, ये बीच में एक स्टॉपेज है, यहाँ पे रुके हुए हैं। इसका सफारी के लिए आए हैं यहाँ पे। अभी बीच में एक जगह है, इस जगह पे आके रुके हुए हैं। अभी तो कोई जानवर मिले नहीं है यहाँ पे, अब देखते हैं आगे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। अगर मिल गए तो अच्छा है, नहीं मिले तो और अच्छा। अब हमारा यहाँ आने का मकसद ये था कि हमें पता नहीं था कि यहाँ पे इतने ज़्यादा फॉग होगा या जो कुछ भी है। इस सीज़न में आने से एक नुकसान ये हुआ कि हमें एनिमल साइट सीइंग जो थी वो हो नहीं पाई। ऑलमोस्ट बिल्कुल ना के बराबर जानवर दिखे हैं, एक दो हिरन दिखे और दो चार मोर दिखे, इसके अलावा कुछ नहीं दिखा है। थोड़ा सा निराश ज़रूर है, लेकिन जिनके साथ थे जो हमारे ड्राइवर थे उन्होंने ये बोला कि गाइड ने कि आप अगर गर्मियों के टाइम पे आते हैं होली के बाद तो आपको जानवर मिलने की संभावना है, ज़्यादा मिल सकते हैं। अब यहाँ से हम जा रहे हैं अभी होटल, तो अभी तक की वीडियो आपने देख ली है। अब यहाँ से हम होटल जा रहे हैं, होटल के बाद आज का और भी बहुत सारे प्लान हैं, बाला किला जाना है और म्यूज़ियम है, सिटी पैलेस है, इन सारी जगहों को कवर करेंगे। जाते हैं होटल, होटल के बाद फिर निकलेंगे, फिर आपको दिखाते हैं और कहाँ कहाँ हम जा रहे हैं आज। चलो तो अभी हम आ गए हैं, ये एक देसी ठाट करके एक रिजॉर्ट है। अभी लंच वंच करके उसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से बाला किला के लिए। ये प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी लगी, ये आकाश भाई, ये सुजीत जी, ये शायद यहाँ पे कहीं हल्दी सेरेमनी हो रही होगी तो इस वजह से ये पूरा मंडप सजा रखा है इन लोगों ने। तो कुल मिला के प्रॉपर्टी अच्छी है, इसे अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे थोड़ी देर में। अभी आपको मैं अपना रूम टूर कराता हूँ। ये हमारा 115 नंबर रूम है,
और इस रूम में हमें